राइट। हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। सो गुड न्यूज़ की WWE जल्दी करवाने वाली है इसी साल ड्राफ्ट, जिसकी डेट भी हो चुकी है रिवील। और रोमन रीन्स एंड शिंस्के नाकामुरा के वाकई में WWE के पास प्लान्स थे। और WWE के रिलीजेस को लेकर एक काफ़ी नई चीज़ पता लगी है और क्या हो सकता है कल के मंडे नाइट रॉ के शो में, जब ब्लड लाइन भी आने वाली है कल के शो में। तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोग को काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल अपनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 लोग भी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना अभी करंटली तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कुछ जुड़ी है हमारे केविन नैश से। केविन नैश ने किया अपना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट किया है जहाँ पर वो 303 पाउंड का कुछ वजन वगैरह उठा रहे हैं और उन्होंने बताया कि वो मंडे से अपनी डाइट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे चले कि कोई सीन बन रहा है केविन नैश का WWE में या फिर जस्ट वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है WWE के रिलीजेस से और इसको लेकर एक सीक्रेट निकल कर आ चुका है सामने कि WWE अब बिल्कुल ही माइंड से खेलेगी, क्योंकि वो इन रिलीजेस को बिल्कुल ही प्राइवेट रखेगी। किसी को भी पता नहीं लगेगा कि कौन सा बंदा रिलीज होने वाला है और कोई भी रूमर्स पहले से नहीं आएंगे। यहाँ तक कि पहले NXT के स्क्रिप्ट राइटर्स को भी पता रहता था कि भाई कौन रिलीज़ होने वाला है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही पता लगेगा कि ये बंदा रिलीज़ होने वाला है। WWE अभी करंटली इन सभी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहती है और इसका रीज़न तो पता नहीं, लेकिन भाई WWE अभी ऐसा कर रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हुई है हमारे डेक्स्टर ल्यूमिस से, और डेक्स्टर ल्यूमिस ने NXT के रिलीज के बाद एक फोटो पोस्ट वीडियो पोस्ट किया है, वीडियो पोस्ट किया है जहां पर वो वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे जहां पर डेक्स्टर ल्यूमिस एक पेंटिंग को देख रहे हैं, वो पेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पता नहीं डेक्स्टर ल्यूमिस क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमें प्रे करेंगे कि डेक्स्टर ल्यूमिस का जो भी फ्यूचर होगा प्रो रेसलिंग में वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से NXT में वो एक बड़े सुपरस्टार थे जिनको कर दिया है WWE ने रिलीज। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में उसके बारे में आप सभी नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी वीर महान से, और रिसेंटली सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के इंटरव्यू में वीर महान ने रिवील किया कि उनके डेब्यू के पहले वो मिले थे दी अंडरटेकर से, और अंडरटेकर ने उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहा था और उनसे पूछा था कि क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो, और वीर महान ने कहा था यस सर। तो वीर महान ने ये भी कहा कि ये जो मेमोरीज हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी, कि उनका जो रॉ का डेब्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप किया गया और बैक स्टेज उस डेब्यू के मुताबिक वो मिले थे दी अंडरटेकर से, और अंडरटेकर ने उनसे पूछा भी था। बाकी भाई देखो वीर महान का फ्यूचर कैसा होता है आने वाले टाइम में WWE के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है रोमन रीन्स एंड शिंस्के नाकामुरा से, और WWE के पास इनके लिए प्लान्स थे और ये प्लान्स इसलिए कैंसिल हो गए। पहली चीज़, WWE को लगता नहीं कि शिंस्के नाकामुरा रोमन रीन्स के कैपेबल हैं या फिर गए तो उनके लायक हैं। दूसरी चीज़, WWE इसको स्टेडियम लाइव शोज में नहीं कराना चाहती है। तो ये दूसरा रीज़न निकल कर सामने आ चुका है जो कि एक फ्रेश रीज़न है दूसरा वाला। तो WWE ने प्लान तो किया था रोमन एंड नाकामुरा का, लेकिन WWE ने इसे बीच में से पुल आउट कर दिया और रोमन रेंस के सामने डाल दिया उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को, नहीं तो ये मैच भी हम सभी को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है कल होने वाली मंडे नाइट रॉ से, और कल के मंडे नाइट रॉ के शो के लिए ब्लड लाइन को WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो कल के शो में मे भी हम सभी को कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है जिससे मज़ा आ जाए, और आई थिंक अब ब्लड लाइन के मेंबर में से कोई ना कोई हम सभी को फिजिकल होते हुए दिखाई दे सकता है या फिर तीनों ही बंदे फिजिकल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कल के शो में मैकइंटायर भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उनका मैच होना है रेसलमेनिया बैकलैश में। तो भाई इससे रॉ की व्यूअरशिप भी बढ़ सकती है और कल के शो में हमें मैकइंटायर भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी दिखकर कल का मंडे नाइट रॉ का शो ऑसम जाता है या फिर ऑसम से भी ऑसम। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की जो कि जुड़ी है WWE के ड्राफ्ट से। तो गुड न्यूज़ आ चुकी है क्योंकि भाई ड्राफ्ट जल्दी देखने को मिलेगा हम सभी को, और मैं घुमा फिरा के यहाँ पर बातें नहीं करूँगा। रिसेंटली अपडेट आती है रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से जो कि काफ़ी तगड़ा सोर्स है, और रिंगसाइड न्यूज़ हमें ये बताता है कि इस साल सेप्टेम्बर में हम सभी को WWE का ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है जहाँ पर कुछ NXT के बेस्ट कॉल अप भी होंगे
जो कि हम सभी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस साल के सितंबर में देखने को मिलेगा। और आई थिंक आने वाले टाइम में जो डेट है वो भी रिवील होने वाली है कुछ हफ्तों या फिर कहें तो क्या पता थोड़े ही दिनों में, लेकिन सितंबर में इस साल हम सभी को देखने को मिलेगा WWE का ड्राफ्ट का शो। बाकी आप लोग इस बार एक्साइटेड हो ड्राफ्ट के लिए या फिर नहीं, तो उसके बारे में आप सभी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। सो वेल मरी जॉर्ज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी। अगर पसंद है तो लाइक मैंने कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।